लॉकडाउन की इस कथा में मैं हनी और मेरा भाई बनी आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। मैं 3 सीटर सोफे का किरदार निभाऊंगा और मेरा भाई सिंगल सीटर सोफे का। छोटे, क्या तुझे पता है हम किस कक्ष में विराजमान हैं? क्या भैया, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। पहले घर की महिलाएं अपने बच्चों को हमारे आसपास फटकने तक नहीं देती थी ताकि हमारी सफाई बरकरार रहे और अतिथियों की मेहमान नवाजी में कोई कमी ना रह जाए। पर अब बच्चे क्या, बड़े भी दिन वहीं पड़े रहते हैं। बात तो आपकी सही है भैया, पता नहीं आजकल कुछ दिनों से घर का बेटा मेरी भुजाओं को पकड़ कर पता नहीं क्या क्या करता रहता है। अरे छोटे, उसे पुशअप्स कहते हैं, मैंने घर वालों को बात करते सुना था, उससे भुजाओं में ताकत आती है। अरे भैया, उसे कौन समझाए, अपनी भुजाएं बनाने के चक्कर में मेरी भुजाएं तोड़ देगा। समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। भैया लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तभी मैं कहूँ लोगों का पेट बाहर आ रहा है और हमारा पेट अंदर जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जल्द ही निपट जाएंगे। भैया धीरज रखो धीरज, वो वक्त भी जल्द आएगा जब हम खुल के सांस ले सकेंगे।